वर्णों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें हलंत चिन्ह के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इस र को संयुक्त र कहा जाता है। शब्द के हिसाब से समझा जाएगा। एक चीज और लिखिएगा, यह र स्वर सहित होता है, यह र स्वर सहित होता है, ठीक ना। जैसे भाई पहला शब्द याद रखिएगा, ड्रम है, बोलिए ड्रम। गोल वर्णों में जो र का प्रयोग होता है वो क्रियक र के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें दो चिन्ह लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, हाँ, एक जो इधर वाला होगा, ये वाला जो होगा ये हलंत हो जाएगा, और ये र जो है, ये जो है क्या होगा, र का रूप होगा, और ये र का रूप क्या कहलाएगा बोलिए, संयुक्त र कहलाएगा। और सुन लीजिए, कारण यह है संयुक्त र कहने का, यह हलंत के साथ जो है जुड़ा होता है गोल वर्ण में, इसलिए इसे जो है संयुक्त र के नाम से जाना जाता है। जैसे अगला नंबर अगर देखा जाए तो ड्राइवर है, ड्राइवर में तीन दो, ये ड्राइवर में देखिए, ये ड्राइवर है ना, इसमें देखिए ये हलंत हो जाएगा, बोलिए होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, संयुक्त र बोल देंगे। यहाँ तक आप सबको समझ में आई कि नहीं आई बता दीजिए, आई ना सबको समझ में। चलिए, ये र का रूप भी आपका क्या होता है, आज संपन्न होता है। एक हेडिंग और लीजिएगा, बस दो मिनट का काम है आपका। प्रश्न पूछता है ना कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार या साहित्य कोश के अनुसार प्रथम वर्ण